आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस, और कोशिश हमारी ये रहती है, प्रयास हमारा ये रहता है कि आपको हर खबर जो है समय समय पर पहुंचाई जाए। फिलहाल हम JDA कम्प्लेक्स में हैं और यहाँ पर रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू के प्रयासों से आज तमाम दुकानदारों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है जो भी रेजिडेंसी रोड में पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर रजिस्टर किया जा रहा है, इससे पहले भी कोशिश की गई थी कि इनका एक वैक्सीनेशन का इसी तरीके से कहीं पर इंतज़ाम किया जाए और वैक्सीनेशन लगाई जाए, और वहाँ किसी कारणवश जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक बार दोबारा से अगर मैं कहूँ कि रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन की द्वारा जो है उनके लगातार प्रयास रहे, उनका कहना था कि देखिए पिछली बार हमने कोशिश की थी तमाम यहाँ के दुकानदार को वैक्सीनेशन लगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। आज JDA में वैक्सीनेशन हो रही है, आप देखिए वहाँ पर रजिस्टर कर यहाँ पर आगे कुछ लोग यहाँ उसके बाद आ रहे हैं, रजिस्टर कराने के बाद वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ लगाई जा रही है। 14 साल से 44 साल तक सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन यहाँ लग रही है, और ये तस्वीरें आप JDA कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड से देख रहे हैं। तो फिलहाल जितने भी दुकानदार हैं उनको बारी बारी से जो है वैक्सीनेशन यहाँ लग रही है। और रेजिडेंसी रोड की अगर बात करें तो पहले भी एक कैंप लगाया गया था, उसके बाद जो है आज फिर से ये कैंप लगाया गया। तो अभी लेकर चलते हैं, हम आगे भी आपको बताते हैं कि 18 साल से 44 साल तक सभी को आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है, और ये एक इनिशिएटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तो लिया गया है, लेकिन प्रयास जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो ये आप लाइव विजुअल देख रहे हैं, और आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि रेजिडेंसी रोड ट्रेडर एसोसिएशन जम्मू के प्रयासों से आए तमाम दुकानदारों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आप देखिए हर जगह कुर्सियाँ लगाई हैं, इनके प्रेजिडेंट हमारे साथ हैं। मैम, वैक्सीनेशन का प्रोसेस, हालांकि वैक्सीन लगाना हर के लिए ज़रूरी है, इससे पहले भी आपका एक इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या चीज़ें हुई वहाँ पर, पॉसिबल नहीं हो पाया, एक बार दोबारा से आपका इनिशिएटिव? बेसिकली सर ऐसा है कि जैसे जब कैंप स्टार्ट किए इतना एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था, डिपार्टमेंट्स को भी नहीं था, और शायद हमें भी नहीं था। तो हम लोग जब उस कैंप के लिए गए तो ऑलरेडी कॉलोनी के लोग 200 लोग उधर खड़े थे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मेरे जो अपने दुकानदार हैं, मेरे जो शॉपकीपर्स मेंबर्स, उनके एम्प्लॉयज़, वो लोगों का वैक्सीनेशन हो ही नहीं पाया था। इट वाज एन अटर फेलियर। फिर हम लोगों ने लाइक उसके बाद मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की DC सर से और JMC कमिश्नर मैडम से, और मैं उनको फुल मार्क्स देती हूँ, 100 out of 100 मार्क्स। ब्यूटिफुल पीपल, मतलब कमिटेड ऑफिसर्स, वी है, मतलब हम लोगों को ऐसे ऑफिसर्स चाहिए आने वाले दिनों में भी, और हमें उनका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है क्यों कहाँ पर हुई, जहाँ पर नेहरू मार्केट की बात करें वेयर हाउस की, वहाँ पर भी सबका टीकाकरण हुआ, उसके बाद मार्केट खुली। कनक मंडी की बात करें वहाँ पर भी बार बार टीकाकरण हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन की बात अगर जब रेजिडेंसी रोड पर आई तो यहाँ पर क्या चूक होगी, या पहले कैंप लगा था वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसलिए दोबारा लगाना पड़ा? हाँ, मैं वही आपको कह रही हूँ कि जब रेजिडेंसी रोड की बात आई तो जो वेन्यू था वो आई थिंक दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। एक कॉलोनी के अंदर तंग गलियों के अंदर अगर आप वेन्यू बना दोगे, इतना सा 4 फुट का उसका गेट था, और उधर ऐसे हफड़ा तफड़ी थी, उधर तो जिसको कोरोना नहीं भी होना हो। और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चीज़ रियलाइज़ की, और उसके बाद हमारी वैक्सीनेशन के बाद जब हम लोगों ने कंप्लेंट्स करी, वो जो सेंटर है वो बंद ही कर दिया गया था,
उसके बाद ही JTA का जो आइडिया था दैट वॉज टेकन अप एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंड अप्रोप्रिएट आइडिया। तो आज हम लोग रेजिडेंसी रोड के शॉपकीपर्स और उनको वो कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ संजुक्ता मैडम जो हमारी हेल्थ ऑफिसर है, उनका सुधर मैडम का बड़ा अच्छा रोल रहा, समीर सर हैं यहाँ पे, समीर बाली जी इंस्पेक्टर, वो सुबह से बेचारे यहाँ पे हैं ऑन हिज फुट, फुल मार्क्स टू हिम। एंड अरुण सर, इन टीम के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ऑल थैंक्स टू द होल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप। हम बात करते सर, हालांकि कहीं ना कहीं आपको लगता कि आपके जो सगी संबंधी कह लो या फिर कुलीग कह लो, नेबर कह लो, दुकानदार कह लो, वो ये कहते थे आपको शिकायत लेके, देखो सबको टीकाकरण हो गया, हमारी वैक्सीन रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये शिकायत आप समझें या इसको अवेयरनेस की एक कमी भी समझ सकते हैं आप जी, कि कुछ हमारी जैसे कलीग्स हैं या कुछ हमारा स्टाफ है, कुछ हमारी लेबर्स हैं जिनको अवेयरनेस भी नहीं थी और कुछ लोग डरते भी थे इस चीज़ से जी, तो उनको अवेयर करना एक हमारी जिम्मेदारी थी, वो हम लोग ही कर सकते थे और हमने उनको मोटिवेट किया है आज के दिन के लिए। आज बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है हमारा ये कैंप और बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो इसीलिए आज हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं और हमारे लेबर्स हैं या जो हमारा हमारे बाज़ार में जो भी रेगुलर काम करने वाले लोग थे वो सब यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, कुछ हमारी मोटिवेशन की वजह से, अवेयरनेस की वजह से आज वो सब यहाँ आए हैं और जिनका टीकाकरण आज हो पा रहा है। सर, एसोसिएशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, हमें याद है पिछले साल भी हमने कवर किया था पार्किंग के मसले को लेकर, बड़ा वहाँ पर जो है हुड़दंग देखने को मिला था जी। और कहीं ना कहीं वो पार्किंग हटाना वहाँ पर बहुत ज़रूरी थी, जितने दुकानदार वहाँ पर थे उनके आगे जो पार्किंग की वजह से जो है कस्टमर तक नहीं आता था, वो भी मुद्दे को आपने सॉल्व किया, ये कितना बड़ा चैलेंज था इस टाइम पर, क्योंकि जब एक मुद्दा सॉल्व हो जाए तो एसोसिएशन पर प्यार, विश्वास, उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, ये कितना चैलेंजिंग था कि एक जगह नहीं पॉसिबल हो सका लेकिन जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करानी है तभी सब सेफ रहेंगे। सर देखिए, ऐसा है कि जो हमारे वो वाले मुद्दे थे वो एक डिफरेंट मैटर्स पे थे, और ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आप एक एक पड़ाव आगे बढ़ते जाते हैं और जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती हैं, उतनी ही हम पे जिम्मेवारी भी है, हमारी एसोसिएशन की उतनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम लोग कैसे लोगों को अवेयर करें और किस तरीके से समझा के ला सकें, क्योंकि कुछ लोग डरते थे इस वजह से कि यार टीकाकरण होने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको समझाना और उनको यहाँ तक लाना, ये इस पर पूजा जी का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को समझाया है इन्होंने तरीके से, क्योंकि लेबरर्स जो हैं वो इतनी आसानी से समझती नहीं है, उनको समझा के यहाँ पे लाना बहुत बड़ा काम है और हम इस चीज़ में खड़े उतरे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमारा बाज़ार हम पे विश्वास करता है और अच्छे काम का अच्छा फल होता है। मुझे मैम आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्या टीकाकरण 18 से 45 के बीच ही लग रहा है, जो 45 से ऊपर है क्या उनका हो चुका है या अभी होना है? सर ऐसा है कि आज का जो स्लॉट था दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर 18 to 44 years फॉर द फर्स्ट डोज कोविशील्ड ओनली, तो जो 45+ है अब आपको होता है वो तो वॉक इन हो गए हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, अभी रेड क्रॉस में लगा लें, कहीं भी लगा लें, अभी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गई है, तो ये हम लोगों की मार्केट्स खुल रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही है, तो हमारा बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इसको जो है पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेम्बर्स को बोलें और उनकी सेफ्टी देखें, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया। बट मैं बार बार कहती हूँ, विदाउट द टीम, विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प, इट वॉज नॉट पॉसिबल, इतने बड़े पैमाने में ये काम करवाना इट इज़ नॉट अ जोक, और मतलब आप देखो JMC की टीम सुबह से यहाँ पे है, 9 बजे से मैं आई हूँ और 9:30 के आई थिंक ये लोग भी तब से वहाँ पे ऑन देयर फुट, तो बिना उसके वो पॉसिबल नहीं, पब्लिक को मैंने कैसे कंट्रोल करना, अकेले आई कैन नॉट डू, जहाँ पुलिस का काम है, जहाँ पे JMC का काम है, वहाँ पे आई कैन नॉट डू, तो मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि जो हमारे वर्थ ऑफिसर्स आते हैं, जैसे इस टाइम पे JMC कमिश्नर मैडम आई हैं, DC साहब आए हैं, मैं तो लोगों को, पब्लिक को बोलूँगी इनका मैक्सिमम यूज़ करो, बिकॉज ऐसे ऑफिसर्स बड़ी किस्मत से मिलते हैं, द वे दे आर वर्किंग एंड मतलब ऑन फुट हैं ये लोग। अब ये देखो, ये समीर साहब हमारे साथ खड़े हैं JMC से, सुबह से ये यहाँ पे खड़े हैं और ड्यूटी, उन्होंने ये नहीं किया आए और उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम देखा ठीक चल रहा है और मैं चला जाऊँ, मैं खिसक जाऊँ, ही डिड नॉट डू, इसीलिए इट वॉज अ सक्सेस एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल। हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी एसोसिएशन आगे भी वेलफेयर के लिए काम करते रहे। समीर जी, कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब लोगों को समझाना, कन्वेंस करना, क्योंकि बहुत सी धारणाएं कुछ लोगों में होती हैं, देखिए जी वैक्सीन लगा के क्या फ़ायदा, बंदे फिर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये कुछ लोग होते हैं नेगेटिव धारणा वाले, उनको कन्वेंस करना इतना मुश्किल है। देखिए ऐसा, यहाँ पे जैसे वैक्सीनेशन की बात करें तो 18 से 44 साल की लग रही है,
और एक्सक्लूसिव लग रही है, कुछ स्लॉट्स हैं जो हमारे शॉपकीपर्स के लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स के। पर थोड़ी सी परेशानी ये आती है कि जैसे हमारे पास आ जाते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है और कोशिश करती है लगवाने की, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उन्हें कन्विंस कर दें कि आपके स्लॉट्स भी आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें घर घर जाके लगाना ही लगाना है। तो प्रायोरिटी हम शॉपकीपर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शॉपकीपर्स को लगेगी तो उनकी शॉप्स खुलेंगी, खुलेंगी तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा, एक मार्केट में एक दोबारा से स्ट्रीमलाइन में सब कुछ होगा। तो बाकी आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग तो रहता है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू डू द गुड सर्विस। आगे भी आप ऐसे करते रहो। तो ये फिलहाल हम JDA में मौजूद थे और वैक्सीनेशन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है और हमारा प्रयास रहता है कि हर एक अपडेट आपको समय समय पर पहुँचाई जाए। अभी भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कुछ बाकी अपडेट्स के जुड़े बॉसेस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।